हेलो बच्चों, राम राम। क्या हाल चाल? सब बढ़िया है? नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। पुराने वीडियो में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस तक पढ़ चुके थे, इस बारे में ध्यान रखना। और अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो हाँ, और एक बात और, ये वीडियो बनाने में डालने में थोड़ा देरी हो गई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह थे हमारे भी। ठीक, तो भैया आप देखना कि अब एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं तो धीरे से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। देखिए, आप सुंदर सुंदर से नोट्स बनाए, इनको एज इट इज़ आप उतार लिया करो, और इनके नोट्स आप कॉपी में बनाना, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना, ठीक है? क्योंकि स्क्रीनशॉट आप लोगे तो यार वो फिर पढ़ ही रह जाते हैं स्क्रीनशॉट। हमने भी खूब किया है सब। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऊजेनेसिस की, और अपना चैप्टर जो चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, तीसरे में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, और आज गेमेटोजेनेसिस के इस टॉपिक में हम चौथा लेक्चर लेने जा रहे हैं ऊजेनेसिस का। ऊजेनेसिस जो है भाई साहब, अच्छा देखो, एक बार क्या हुआ कि लगभग मतलब बात है ये 3-4 साल पहले की, मतलब हम भी पढ़ ही रहे थे तब, एक बच्चा आया मतलब हमारे साथ का ही साथी था, और उसने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी हुई थी, और क्या किया कि वही लॉन्ग आंसर आया, और भाई साहब स्पर्मेटोजेनेसिस वाले ही टॉपिक पूरा उठार के सेम उसी तरह से बदली खाया ऊजेनेसिस में। ठीक, तो भैया ऐसा नहीं होता, देख लो आज ऊजेनेसिस एकदम अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस से, जीरो मिला था बड़का बड़का दो ठो। ठीक है, तो भैया ध्यान से देखो इसको, जो चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसको उस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। ठीक है, और आज फेमिनिज्म की भी बातें करेंगे एक दो। चलो देखते हैं, पहले ऊजेनेसिस की बात करेंगे। तो ऊजेनेसिस शुरू कब होती है? हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है आपकी प्यूबर्टी पे, लेकिन ऊजेनेसिस कब शुरू होती है? ऊजेनेसिस भाई साहब जब बच्चा पता चला कि हाँ बच्चा बिटिया है, गर्भ में पता चला कि हाँ बच्चा बिटिया है, किसको पता चला? बेबी को, तभी जो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई जी हमको क्या क्या करना है। ठीक, तो जो बातें करनी थी वो उसने बचपने से शुरू कर दी। कब से? फीटल स्टेज से शुरू कर दी। अब ऊजेनेसिस की डिफिनीशन देखो, यहाँ पे लिख रहा आप सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिट, मेच्योर्ड फीमेल गेमिट, ठीक, इज फ्रॉम गेमिट मदर सेल इज नोन एज ऊजेनेसिस। देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गेमिट्स इज कॉल्ड ऊजेनेसिस। किससे बनते हैं? गेमिट मदर सेल, यानी ऊगोनिया से। ऊगोनिया ये है भाई जी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक, ऊगोनिया। अब इसके बाद बात करेंगे, देखो ऊजेनेसिस है क्या, ऊजेनेसिस कब शुरू हुई? ऊजेनेसिस शुरू हुई कब? फीटल स्टेज में। फीटल स्टेज का मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में था तभी ऊजेनेसिस शुरू हो गई। जबकि हम लोगों ने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू हुई थी, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हुई थी प्यूबर्टी पे। तो भाई साहब इधर देखो, ऊजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग फीटल स्टेज ऑफ बेबी गर्ल। बेबी गर्ल भैया लड़के के नहीं शुरू हो जाएगी ऊजेनेसिस, ठीक है, बिटिया के ही होगी। ठीक, बेबी गर्ल में ही ऊजेनेसिस शुरू हो गई। अब ऊजेनेसिस की बात करें तो बताएंगे आपको कि जब फीटल ओवरी थी, फीटल मतलब पेट में बिटिया थी, तो अब जो बिटिया थी उसके कब, एक उसके दो ओवरी थी, जब दो ओवरी हैं बिटिया के तभी तो वो बिटिया है, अगर टेस्टिस होंगे तो बेटवा होगा, है ना। तो जो दो ओवरी उसके थी, उन दोनों ओवरी में एक कपल ऑफ मिलियन क्या गेमीट मदर सेल यानी ऊगोनिया प्रेजेंट इन फीटल ओवरी, मतलब एक कपल ऑफ मिलियन गेमीट मदर सेल यानी ऊगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। मतलब एक बच्चे के दो ओवरी हुई, एक बिटिया के दो ओवरी थी, और दो ओवरी में दोनों में दो मिलियन, ए कपल ऑफ मिलियन मतलब दो मिलियन यानी 20-20 लाख, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है ना, तो दो मिलियन एक ओवरी में, दो मिलियन एक ओवरी में, तो दोनों मिला के 4 मिलियन, 4 मिलियन भाई साहब गेमिट मदर सेल यानी ऊगोनिया बिटिया के बन गई, जबकि वो गर्भ में ही है अभी। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नो ऊगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीट में जाने कितनी बार से प्रश्न आया है। जन्म लेने के बाद बिटिया पैदा हो गई, कोई ऊगोनिया बढ़ती या नहीं बनती? नहीं है, ठीक है, जितनी थी, जितनी पहले थी उन्हीं में काट छाट होती रहती है, नहीं जुड़ेगी पैदा होने के बाद। ठीक, आओ देखो, ऊगोनिया भाई साहब क्या करती है, मियोटिक डिवीजन करती है और एंटर्स इनटू प्रोफेज वन। मियोसिस भाई साहब दो पार्ट होती है, मियोसिस में पहले मियोसिस वन होती है, ठीक, इसमें दो बनते हैं, और फिर इसमें मियोसिस टू होती है, इसमें दो बनते हैं, तो ऐसे 4 सेल बन जाती हैं। तो ये मियोसिस वन जो थी इसमें भी 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज,
ठीक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इसमें भी चार होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो पहले वाले की प्रोफेज में जाके भाई जी ये अरेस्ट हो जाती है, टेम्परली अरेस्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है उसी स्टेज में, प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, मैमल्स की जो ओसाइट्स होती हैं ये प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज में जाके रुक जाती हैं। इसके बाद और इस स्टेज में जो बनती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। अब प्राइमरी ओसाइट जो है मतलब देखो ये डिवीजन यहाँ शुरू हुआ, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुँचने के पहले ही ये बीच में रुक गई, इसको बोल दिया हम प्राइमरी ओसाइट। ध्यान देना भाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पे दिखाया है, ये भैया यहाँ पे रुकी प्राइमरी ओसाइट है, उगोनिया से डिवीजन शुरू हुआ, पर डिवीजन पूरा यहाँ पर हुआ, पूरा यहाँ पर हुआ इस जगह। ठीक, लेकिन ये जो है ये बनी यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्राइमरी ओसाइट बीच में रुक गई, मियोटिक डिवीजन पहला भी पूरा नहीं हुआ। ठीक, देखो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं इस स्टेज में। ठीक, अब प्राइमरी ओसाइट के ऊपर भैया यहाँ बगल से बाजार से जाके बढ़िया कंबल वंबल चादर वादर लेके आती हैं और ओढ़ लेती हैं। ठीक है, बेशर्मी का है ना, पर तो प्राइमरी ओसाइट जो है ये भैया चादर ओढ़ लेती हैं, और किसका, ग्रैन्यूलोसा सेल्स का, किसका, ग्रैन्यूलोसा सेल्स का। प्राइमरी ओसाइट सराउंडेड बाई ग्रैन्यूलोसा सेल्स एंड कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, और इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ग्रैन्यूलोसा सेल ओल्ड नहीं तो प्राइमरी फॉलिकल। अब ये देखो एक चादर खरीद के लाई थी तो इनको ठंडी लग रही थी, तो ग्रैन्यूलोसा सेल की दो चादर लपेट ली, अब दो चादर लपेट ली तो सेकेंडरी फॉलिकल हो गई। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। ठीक, अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल जो था वो सेकेंडरी फॉलिकल जो इसके बाद क्या किया, सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा मतलब अपने आप को डेवलप किया और टर्सरी फॉलिकल बन गया। टर्सरी फॉलिकल में भाई जी ये देखो फ्लूड फील्ड कैविटी होती है, इसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या है एंट्रम है, इसको बोलते हैं फ्लूड फील्ड कैविटी। और इसमें भाई जी मियोटिक डिवीजन पहला वाला जो था ना, पहला मियोटिक डिवीजन यानी यहाँ से ये बनना, इसको हमने प्राइमरी ओसाइट कहा था, बीच में रुक गई थी, और यहाँ से ये बनना जो था ये यहाँ पे पूरा हो जाता है, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट की ही स्टेज में ये लोग बाहर निकल जाती हैं, मतलब फीमेल जब मेंस्ट्रुएशन करती है ना तो एक तो अंडा एक महीने में निकलता है, तो जो अंडा निकलता है वो भाई जी सेकेंडरी ओसाइट होती है, ओवम नहीं होता है। ओवम तब होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, जोना पेलुसिडेक लेयर टूट जाती है तब बनता है ओवम। ठीक है, अभी आगे बताएंगे, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट की जो लेयर है किससे सराउंड कर जाती है, ग्रैन्यूलोसा सेल। भैया मार्केट से जाके एक से चद्दर लेके आती है बेशर्मी का और लपेट लेती हैं, और इनको क्या कहते हैं, ग्रैन्यूलोसा सेल की लेयर कहते हैं। और भाई जी जब प्राइमरी ओसाइट ग्रैन्यूलोसा सेल की लेयर लपेट लेती है तो उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जब एक और चद्दर लपेट लेती है, एक और चद्दर अपने ऊपर लपेट लेती है ठंडी के कारण, ठंडी बढ़ रही ना तो ठंडी के कारण एक और चद्दर लपेट लेती है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, चलो बात करते हैं लार्ज नंबर। हाँ भैया देखो बात इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो एक ओवरी में कितने थे, एक ओवरी में कितने उगोनिया थे, 2 मिलियन यानी 20 लाख, और दूसरी ओवर में भी 20 लाख, टोटल 40 लाख उगोनिया थे। अच्छा, एक महिला में मेंस्ट्रुएशन जब शुरू होता है मीनार्ची और जब ख़त्म होता है मीनोपॉज, उसके बीच में लगभग कितने मेंस्ट्रुएशन होते हैं, कितनी बार मेंस्ट्रुएशन होता है, कितनी बार साइकिल चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपको बता दें आपके कि ज़्यादा से ज़्यादा 400 बार साइकिल चलती है, केवल 400 बार, और हर साइकिल में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंडे निकलते हैं। ठीक, जब कभी वो ट्विंस हो जाते हैं ना तो 2 अंडे भी कभी कभी निकल जाते हैं। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, तो 400 ही अंडे हम अगर ऑन एन एवरेज मान के चलें तो 400 ही अंडे निकलते हैं केवल सेकेंडरी ओसाइट, और रखे कितने गए थे, एक कपल ऑफ मिलियन, यानी 20 लाख इधर 20 लाख इधर, 40 लाख में खाली 400 ही निकल पाते हैं, बाकी सब डिजेनरेट हो जा रहे हैं। तो तुम एक बात देखो कितने अच्छे से चूज करके महिला की तरफ से वो आ रहा है, क्या गेमिट्स महिला की तरफ से बहुत अच्छे से चूज करके आ रहे हैं, और मेल जो स्पर्म निकालता है 300-400 मिलियन स्पर्म निकालता है। तो भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे, जैसे गाँव भर की महिलाएँ क्या करती हैं कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं कि महिलाओं को ब्लेम करती हैं अगर बच्चा लूला लंगड़ा पैदा हो जाए या, ठीक है, तो भैया महिलाओं को ब्लेम नहीं करना चाहिए, महिलाओं की तरफ से
गलती होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, खुद तुम सोच के देखो। जो एकदम चुनिंदा 40 लाख में 400 जो एकदम चुनिंदा सेकेंडरी ऊसाइट हैं वही बाहर निकल रहे हैं, बाकी सब डिजेनरेट कर दिए जा रहे हैं खुद से पहले ही कि भैया हमको बच्चा जो चाहिए वो एकदम अच्छा होना चाहिए। और वहीं मेल में क्या है, मेल ने एक बार इजेकुलेशन किया तो 300 से 400 मिलियन स्पर्म, मतलब कितने, अब कौन सा जाकर के फर्टिलाइज कर गया, ये गलती मेल की हो सकती है ना। कई बार क्या होता है गांव घर में महिलाएं जो हैं वो सासें जो होती हैं वो अपनी बहुओं को इस तरह से कहती हैं कि आज तुम्हारे कारण हमारा बच्चा ऐसा पैदा हुआ, जबकि ऐसा नहीं भैया, गलती बच्चे की मेल की भी हो, मेल पार्टनर की भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर तो तुम खुद देख के तुम एक सोच के देखो कि खाली 400 निकल रहे हैं, 400 कितने में से, 40 लाख में से 400, तो कितना बढ़िया भाई जी इन लोगों ने वो लिया होगा। थोड़ी सी भी अगर विकृति है तो उसको हटा दिया, ठीक, इंपॉर्टेंट है भैया ध्यान रखना। तो देखो ये शुरुआत होती है, देखो लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल तो बन ही गए फीटल ओवरी में ही, एक बार ग्रैनुलोसा सेल का चद्दर लपेट लिया, बच्ची थी वुम्ब में थी अभी मम्मा के वुम्ब में, और तभी उसने एक बार चद्दर लपेट लिया, ठंडी लग रही थी बाहर आने से पहले, ठीक है। तो वो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो पैदा फ्रॉम बर्थ, यहाँ पे भाई जी बर्थ भी लिख लो, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके लिखना। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल गेट डिजेनरेटेड फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक इस इन दोनों पीरियड के बीच में बहुत ज़्यादा भैया, 20-40 लाख थी और खाली 60 से 80 हज़ार बचती हैं एक ओवरी में, ठीक है, इतनी भाई जी डिजेनरेट कर जाती हैं बाकी सब। लार्ज नंबर आर डिजेनरेटेड, ठीक, ओनली 60 to 80 thousand फॉलिकल्स आर लेफ्ट एट ट्रू प्यूबर्टी, मतलब एक में 30 से 40 बचती हैं, बाकी 60 से 80 बाकी सब ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे प्राइमरी फॉलिकल जो थे उनको और सराउंड किया किससे, ग्रैनुलोसा सेल से, बताया था ना एक और चदरा लपेटा तो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल जब बना तो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल और मैच्योर हुआ और डिफरेंशिएट हुआ और टर्सरी फॉलिकल बना। टर्सरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फील्ड जो कैविटी होती है उसको कहते हैं एंट्रम, ठीक। अब जो एंट्रम है उसके साथ ही सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल जो है इसमें प्राइमरी ऊसाइट ने अपनी मियोटिक डिवीजन जो कहाँ रोकी थी, प्रोफेज वन में रोकी थी, उसको कंप्लीट कर लिया और क्या बनाया, सेकेंडरी ऊसाइट बनाई। अब सेकेंडरी ऊसाइट जो बनी, ध्यान देना यहाँ पर, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट और सेकेंडरी ऊसाइट बन गई। अब सेकेंडरी ऊसाइट के साथ भाई जी फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी बन जाती, अभी बताएंगे इसका कोई काम नहीं होता टाइनी पोलर बॉडी, मतलब और भी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक बार में केवल एक का ही ओवम निकलेगा, मतलब एक ही ऊसाइट निकलेगी, ये नहीं कि चार चार बनाए, जो सबसे अच्छी होगी वही निकलेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई जी, महिलाओं की तरफ से देखो गलती होने के चांसेस कितने कम कर दिए जा रहे हैं, एक ही निकालते हो हम और वो एकदम चुनिंदा होना चाहिए। देखो अब जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो क्या करेगी, सबसे पहले बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म अपने पास रखेगी, साइटोप्लाज्म अपना बढ़ा लेगी, न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा होगा, डेंस होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट में डेंस नहीं था, ठीक। और न्यू लेयर भाई जी इसकी कब बनती, देखो अब टर्सरी फॉलिकल जो है, ये टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ तब जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है, सेल्स की नहीं होती है, उसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है। और जोना पेलुसिडा की लेयर जो होती है वो बनने के बाद ये सेकेंडरी ऊसाइट ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करती है। इधर देखो ये टर्सरी फॉलिकल थी, टर्सरी फॉलिकल से ये बना ग्राफियन फॉलिकल, अभी ग्राफियन फॉलिकल को ऐसे रप्चर करेगी, इसने रप्चर किया ग्राफियन फॉलिकल को और ये सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आ गई, सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आ गई। अब सेकेंडरी ऊसाइट जब बाहर आ गई तो ये भाई जी आपकी सेकेंडरी ऊसाइट हो गई, ठीक। और इसके बाद जो यहाँ पे इतना जितना कुछ भी बचा, और ये तुम्हारी फ्लूइड फील्ड कैविटी एंट्रम जो थी इसको क्या बोल देते हैं, ये तो सेकेंडरी ऊसाइट है, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा की एक लेयर है, ठीक, ये सेकेंडरी ऊसाइट है। और जो ये थी भाई जी ध्यान देना, इसको जो बचा इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बोलते हैं, कॉर्पस LUTEUM, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अभी कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है,
अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आगे बात करेंगे। ठीक, अब देखो जल्दी फटाक से चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं ऊज एनेसिस होती कैसे। ये तुम्हारी डिप्लॉयड यूगोनिया थी, डिप्लॉयड यूगोनिया ने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किया मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, माइटोसिस की और विभेदित हो गई, कुछ अपने फंक्शन चेंज कर लिए और क्या बना ली, प्राइमरी ओसाइट्स बना ली। अब ये प्राइमरी ओसाइट्स भाई जी, प्राइमरी ओसाइट्स गई तो मियोटिक डिवीजन में लेकिन रुक गई। देखना यहाँ पे पूरी ये बातें समझाएंगे आपको। प्राइमरी ओसाइट गई तो डिवीजन में लेकिन अरेस्ट हो गई, किसमें, प्रोफेज वन में। मियोटिक डिवीजन, मियोटिक फर्स्ट चल रहा था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इसकी ये प्रोफेज वन में यहाँ पे अरेस्ट हो गई और प्राइमरी ओसाइट जो है ये प्राइमरी ओसाइट के ही फॉर्म में बनी रही। और प्राइमरी ओसाइट ने जब कवर कर लिया, प्राइमरी ओसाइट को जब कवर कर लिया देखो ग्रैनुलोसा लेयर ने, तो क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब प्राइमरी फॉलिकल ने जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कवर, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट किया तो बनाई सेकेंडरी ओसाइट, और जो सेकेंडरी ओसाइट थी ना उसके साथ बनाई टाइनी पोलर बॉडी। इसका कोई काम नहीं, ये अलग हो जाती, बह जाती, डिजेनरेट हो जाती, कोई काम की नहीं। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट अब इसके बाद यहाँ से किससे, ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल से निकलने के बाद अगर इसको स्पर्म मिल गया, स्पर्म मिल गया तो ये तब सेकेंड मियोटिक डिवीजन अपनी करेगी। अगर स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ स्पर्म से, जैसे ही स्पर्म इसके कॉन्टैक्ट में आया वैसे ही ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके अपना ओवम बना लेगी, और ओवम बनने के साथ दूसरी पोलर बॉडी निकल जाएगी जिसको कहेंगे सेकेंड टाइनी पोलर बॉडी। इसके बाद भैया इसका भी कोई काम नहीं, ये भी ऐसे स्लग ऑफ कर जा रही है, डिजेनरेट कर जा रही है। आज की जो वीडियो थी इसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक डायग्राम 3.7 आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी का, और ये फिगर 3.8 जो था टेबल फॉर्म में इस तरह का, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बीच में डिफरेंस को साझा किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को जरा देख लेना, और आज की वीडियो जो ये है ये अगर थोड़ी सी लंबी हो गई हो तो हमें क्षमा करें, आज की वीडियो में इतना ही। भैया चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों तक शेयर करिए, और आज की इस वीडियो में हम आपको जो भी बताए हैं इन चीज़ों के नोट्स और इन चीज़ों के रिवीजन एक बार एनसीईआरटी से कर लीजिएगा। नोट्स तो ये सामने लिखे हैं, इतने आपके लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, और इसके नीट में भी इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलने वाला जितनी बातें आपको बताएंगे। और अब इसके बाद आप अगर बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी ये काम कर जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की, कोई भी रिफ्रेशर बुक से, कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा शेयर करिए और रीच बढ़वाइए, थोड़ा लाइक वगैरह करिए वीडियो को। ठीक है, फेमिनिज्म की भी बात की भैया, लड़कियों शेयर करियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, चलो भैया आज की वीडियो में इतना ही, जय श्री राधे, राम राम।